करता हूँ। ये हम आज आए हैं गरुड़ गोविंद मंदिर में, जहाँ पर मनसा देवी का भी मंदिर है और वृंदावन परिक्रमा मार्ग, जो तीनों मन की परिक्रमा लगती है, वहाँ पर ये जो है हमारा मंदिर है गरुड़ गोविंद जी। गरुड़ गोविंद जी का एक बहुत ही दिव्य मंदिर है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से हम सीधे गरुड़ गोविंद जी पहुँचेंगे। अभी ये जो रास्ता है, ये यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रज दर्शन। इसमें हम आपको ब्रज 84 कोस की जितनी भी यात्राएं हैं और जो हमारा ब्रज मंडल जितनी जगह में फैला हुआ है, वहां पर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ताल हैं, जितने भी हमारे जो पूजनीय स्थल हैं, उन सभी के दर्शन आपको हम एक एक करके बताते जाएंगे। ब्रज रज की महिमा का बहुत उल्लेख है। ब्रज रज सबसे पहले हम मस्तक पर लगाते हैं और अपनी जिब्बा पर लगाते हैं। जो हम ब्रज रज को करते हैं, उसका पान करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ 5000 साल पहले हमारे कृष्ण जी यहाँ पर खेले थे, कूदे थे, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। उनके पैरों की जो रज है वो आज भी यहाँ पर उड़ती है। लोग अक्सर करके क्या करते हैं कि जब धूल उड़ती है तो उस धूल से अपना चेहरा ढक लेते हैं, या फिर उस पर कपड़ा लग लेते हैं, कुछ भी इस तरीके से ऐसा काम करते हैं कि वो जो रज है वो उसके शरीर को टच ना कर पाए। लेकिन ब्रज में आके लोग जो है अपने इस ब्रज की जो धूल है, ब्रज की जो माटी है, जिसको बजरी कहते हैं, बजरपुट कहते हैं, और जो यमुना जी में से निकलती है, उसमें लोट लगाते हैं। यहाँ पर ब्रज में रमण रीति स्थान है, उसमें लोग ब्रज की जो रज है उसमें लोटते हैं और अपने पूरे शरीर को भी ब्रज से नहलाते हैं। तो उसकी एक कहावत है, बहुत समय पहले जब कृष्ण जी प्रयागराज के लिए स्नान करने के लिए उनके पिता और माता का मन हुआ कि हमको भी प्रयागराज के कुंभ में जाकर दर्शन करने चाहिए, तो हुआ ऐसा कि उनके सामने एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ, एक काला व्यक्ति घोड़े पर सवार होके आता है और वो व्यक्ति घोड़े से नीचे उतरता है और ब्रज की रज में पूरी जो है अपने शरीर को ब्रज की रज से लपेट लेता है। कुछ जो है वो व्यक्ति सफ़ेद होने लगता है, फिर वो उसमें लोट मारता है, इतनी लोट मारता है कि उसको देखकर जितने भी वहाँ पे जो कृष्ण जी के पिता हैं, माता हैं, ग्वालवाल थे, कृष्ण जी के सखा थे, ये सभी लोग उसको देखते हैं और वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो बिल्कुल काला था, देखने में भी बहुत काला लग रहा था, वो व्यक्ति भी गोरा होने लगा। उस व्यक्ति की जो है पूरी जो घोड़ा था वो भी सफ़ेद होने लगा। यह चमत्कार देख के नंद बाबा बोले कि हे, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं प्रयागराज हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अब कुंभ का आयोजन इलाहाबाद में, प्रयागराज में होने वाला है, और यहाँ पर आकर मैं पहले जितने भी पाप हैं उनको सबको पवित्र करके जाता हूँ। पवित्र इसलिए करता हूँ कि जितने भी लोग प्रयागराज पहुँचते हैं वहाँ पर वो स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद वो व्यक्ति अपने पापों को वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं और उन पापों को मैं ग्रहण कर लेता हूँ, और मैं यहाँ ब्रज की रज में आके उन सभी पापों को धो के जाता हूँ। इस ब्रज की रज की महिमा का बहुत बखान है। राधे राधे। ये जो है कुंभ सरोवर है, यहाँ पर जो हमारे गरुड़ गोविंद महाराज हैं, उन्होंने यहीं से प्राकट्य हुआ उनका, उनकी जो है अभी हम आपको लेकर चलेंगे और उनके दर्शन अभी आपको हम कराएंगे। ये जो है आप इस सरोवर के दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य दर्शन है, यहाँ के आपको दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ये चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ है स्थान, और ये जो बिल्कुल शांत है, और ये आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से जो है वन हैं और बीचा बीच में ये सरोवर है। ये आप इधर देख रहे होंगे, एक आपको मंदिर की चुटिया दिखाई दे रही है और जिस पर ध्वजा लहरा रही है, ये ध्वजा पीतल की है
और अभी हम इसी मंदिर में आपको ले जाके गरुड़ गोविंद जी के दर्शन कराते हैं। नगरी में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर आपको आज दर्शन करा रहे हैं गरुड़ गोविंद जी के। ये गरुड़ गोविंद जी मंदिर मथुरा के छठीकरा ज़िले में स्थित है। छठीकरा मथुरा ज़िले में आता है। इस छठीकरा की बात बताई जाती है कि यहाँ पर कृष्ण जी का छठ भी पूजा की थी। और एक और महत्व है कि यहाँ पर जो ग्वाल बाल थे वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने, ये आप सामने देख रहे हैं मंदिर श्री करुण गोविंद जी महाराज। तो अब हम जो है करुण गोविंद जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर यहाँ की महत्वता के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो काल सर्प दोष और जो है पितृ दोष के लिए बहुत ही दिव्य दर्शन है। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, ये गरुण गोविंद जी के दर्शन हैं। आप देख रहे हैं गरुड़ गोविंद जी के दर्शन हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम पूछेंगे गरुड़ गोविंद जी की महिमा के बारे में, तो आपको ये बताएंगे किस तरीके की महाराज जी की महिमा है। ये विष्णु भगवान गरुड़ जी पर सवारी करे हुए हैं। जो छाती पे दिख रहा है काला सा आपको, गरुड़ जी का मुखारविंद है। ये जैसे घोड़े पर बैठता है इंसान, ऐसे सवारी करे हुए विष्णु भगवान गरुड़ जी पर। भगवान की 12 भुजाएं, 6 राइट हैं, 6 लेफ्ट हैं। इनके चरणों के नीचे सत्यभामा और रुक्मणी जी विराजमान है। एक चरण के नीचे सत्यभामा जी हैं, दूसरे चरण के नीचे रुक्मणी जी विराजमान है। वो दर्शन साल में एक बार होते हैं, तृतीया वाले दिन। अच्छे तृतीया वाले दिन जी, 12 भुजाओं के। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने खेली खेल में विष्णु रूप धारण किया था। इनके सगाते श्रीदामा उनको गरुड़ बनाकर सवार हुए थे। उनके ग्वाले थे, इन पर विश्वास नहीं करते ठाकुर जी पर कि भगवान पूर्ण ईश्वर हैं, तो अपने भक्तों का ब्रह्मदूर किया था और उनको श्रीदामा भक्त को गरुड़ बनाकर विराट रूप में दर्शन दिए थे भगवान ने। कृष्ण जी के परपौत्र बज्रनाभ, उन्हीं के द्वारा स्थापित विग्रह है। उन्होंने इसके अलावा 4 विग्रह स्थापित किए थे, गोविंद देव जी वृंदावन, बलदेव दाव जी, केशव देव जी मथुरा और हरदेव जी गोवर्धन, उन्हीं के द्वारा निर्मित है। ये 5.5-4 साल पुराना विग्रह है। बराबर में कुंडे यहीं से प्रागण ठाकुर। ये काल सर्प दोष और इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को, क्या उपाय करने पड़ते हैं? काल सर्प होता है, काल सर्प दोष जी जो आंशिक होता है वो तो दर्शन मात्र से दूर हो जाता है। जो पूर्ण काल सर्प दोष होता है उसमें 5 आचार रहते हैं, जिसमें 17,000 राहु, 18,000 केतु का जप होता है जी। वो प्रक्रिया 5-6 घंटे की होती है। लगभग 9:30 स्टार्ट हो जाती है, 3:30 पूजा में, जिसमें आचार रुद्राभिषेक, 10वीं स्नान और हवन इत्यादि कराते हैं। और पितृदोष के लिए क्या विधि है यहाँ पे? पितृदोष के लिए भी वही विधि है जी। तो यहाँ पे किस तरीके से मतलब भक्त आते हैं और अपने पितृदोष का और उनका निवारण करते हैं? जी पहले आज आना पड़ता है, पहले कुंडली दिखानी पड़ती है कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है या मंगल दोष है। जब कुंडली में दिखानी पड़ती है तो वो दोष होता है, तब वो जानकारी कराते हैं। 2 दिन पहले बताना पड़ता है पूजा के लिए, जैसे कि किसी को पूजा करानी हो तो 2 दिन पहले बताना पड़ता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है इसके लिए। आपने देखा यहाँ से हमने जाना, गरुण गोविंद जी के पुजारी बता रहे हैं यहाँ पर काल सर्प दोष का और पितृ दोष का हमेशा के लिए इलाज हो जाता है, फिर उसको कभी कहीं नहीं भटकना पड़ता है। ज़्यादातर अब कुंडलियों में काल सर्प दोष का बहुत योग बन रहा है। आप भी यहाँ पर आएँ और गरुण गोविंद जी के दर्शन करें और यहाँ पर पूजा भी करवाएँ और काल सर्प दोष और पितृ दोष से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर जो है भक्त लोग आते हैं, बैठते हैं, आरती होती है और ये पूरा दिव्य दर्शन आप जो कर रहे हैं ये ब्रज दर्शन हैं और करुण गोविंद जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप भी इनके दर्शन करके लाभ लें। अब आपको हम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये बाहर हनुमान जी हैं और यहाँ के जो महंत जी हैं, जो पुजारी हैं, उनको इन हनुमान जी के बारे में पूछते हैं। हाँ बाबा जी, हनुमान जी के बारे में बताओ, क्या कह रहे हैं हनुमान जी के बारे में? जो हनुमान जी कैसे प्रकट हुए, यहाँ कहा जो यहाँ पर ये गोविंद जी
और लक्ष्मी जी प्रकट हुए यहाँ पर, उनके साथ में ये हनुमान जी भी प्रकट हुए। ये पुरोहित निवास है, यहाँ पे गणेश जी हैं और ये जो है अभी हम आपको मंदिर के बाहर का स्थान दिखा रहे हैं। मंदिर में जहाँ पे ये परिक्रमा लगाई जाती है और ये गरुण जी हैं। यहाँ की एक और मान्यता है, जो गरुण जी हैं वो ये काल सर्प दोष जो निवारण है, यहाँ पे जो निवारण होता है काल सर्प दोष का, वो इसलिए होता है कि जो सर्प हैं वो यहाँ पर नहीं, उनका कोई असर नहीं होता है, उनका कोई वो नहीं होता है। तो ये जो पूजा है यहाँ पर काल सर्प दोष की विशेष मान्यता है, विशेष पूजा होती है यहाँ की। गरुड़ गोविंद जी एक ऐसे देवता हैं जिनके 12 भुजाएं हैं, 6 एक तरफ हैं और 6 एक तरफ हैं, और उनका अक्षय तृतीया के दिन केवल एक ही दिन दर्शन होते हैं यहाँ पे। और ये दिखाइए, ये यहाँ पे भोले जी हैं, यहाँ पे इनकी पूजा होती है जो पितृदोष के लिए और काल सर्प दोष के लिए करवाते हैं लोग। ये बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही यहाँ पे शांति है, बहुत ज़्यादा जो है ये आप देख रहे हैं ये कुंड है, इसमें लोग स्नान करते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। आज हमने आपको गरुण गोविंद जी के दर्शन कराए, अब इसी तरीके से हम आपको ब्रज दर्शन के माध्यम से डेली के डेली दर्शन कराएंगे। ये गरुण गोविंद जी की ज्योति है, शिव परिवार है यहाँ पे, पूरा शिव परिवार का मंदिर बना हुआ है। आप कृपा करके कैमरे को अंदर ले जाएं और बिल्कुल अच्छे ढंग से शिव परिवार का दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं। ये आप देख रहे हैं, ये शिव जी हैं, ऊपर शिव जी के लिए अभिषेक के लिए रखा हुआ है पात्र, और जो है ये बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पे। आप आएँ तो पूरे दर्शन करके जाएं।